कमिश्नर संजय गोयल के वीआईपी कल्चर से लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। डेढ़ घंटे तक श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर की गर्भगृह में पूजा नहीं कर पाए। कमिश्नर की वजह से मंदिर के गर्भगृह में पूजा रोक दी गई। आम श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन कराकर भेज दिया गया। कमिश्नर की इस पूजा अर्चना से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज हो गया है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रकाश पांडे ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस प्रकाश पांडे समेत दो अन्य जज इसी दौरान दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचे थे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। मोइन, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, कल सावन का तीसरा सोमवार था। शाम के वक्त कमिश्नर अपने परिवार के साथ पहुंचे और जो सरकारी अमला था वो साहब की हुजूरी में इस कदर मशगूल हो गया कि मंदिर का जो गर्भगृह था उसको बैरिकेड कर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। श्रद्धालुओं से कहा गया कि जब कमिश्नर और उनका पूरा परिवार दर्शन पूजन कर लेगा उसके बाद ही उन्हें इजाजत दी जाएगी। और जो मनकामेश्वर मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रयागराज में ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों से ये लोग यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। तो शाम के वक्त, चूंकि सावन का सोमवार था, शाम के वक्त हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। मंदिर परिसर के बाहर तो दूर तक लाइन लगी हुई थी और बाद में जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एक दूसरे रास्ते से दूर से श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन का मौका दिया गया। किसी भी श्रद्धालु को तकरीबन डेढ़ घंटे तक गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोग जलाभिषेक नहीं कर सके, लोग दूध और फूल नहीं चढ़ा सके और इस दौरान भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। भक्तों की नौबत आ गई थी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा था। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जजेस भी वहाँ दर्शन पूजन के लिए जब पहुंचे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वीआईपी कल्चर का खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक जज प्रकाश पाटिया साहब ने तो इस पर गहरी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि सरकारें लगातार वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही हैं, लेकिन ये अधिकारियों का ये जो रवैया है ये ठीक नहीं है। अगर उन्हें आज भीड़ के टाइम पर सावन के सोमवार पर दर्शन करने के लिए आना था तो आम श्रद्धालु की तरह आना चाहिए था और डेढ़ घंटे तक इस तरीके से मंदिर के गर्भगृह को दर्शनों आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रोकना कतई उचित नहीं था। तो हाईकोर्ट के जज की जो टिप्पणी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि हाईकोर्ट इस मामले में स्वो मोटो ले सकता है, कमिश्नर के खिलाफ कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है और साथ ही साथ मंदिर प्रशासन को भी हिदायत दे सकता है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना होने दी जाए, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना होने दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन। तो वीआईपी कल्चर पर हाईकोर्ट सख्त हो सकता है। और आपको बता दें, बड़ी खबर, आज महोबा से प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के साथ मुफ्त में भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। 2016 में उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को जोड़ना इस योजना से लक्ष्य था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महोबा से दूसरा चरण शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री से लॉन्च करेंगे दूसरे चरण को। पहला चरण बलिया से लॉन्च हुआ था 2016 में, अब दूसरा चरण महोबा से लॉन्च होगा।